Hello students, today we will start the dielectric substance and their polarization. So आज का हमारा topic जो है वो dielectric substance है और उसका polarization. Clear? तो last time हमने मतलब जो study किया है उस topic के हिसाब से हम थोड़ा आगे चलेंगे. तो इस बार हम जो है कि dielectric material किसको बोलते हैं और वो किस तरह behave करते हैं, बराबर, उसका ध्रुवीभवन polarization किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा और इसका उपयोग, इसका यूज़ जो है वो कैपेसिटर के लिए कैसा यूज़फुल रहेगा. क्लियर? माइकल फैराडे ने इसके ऊपर काम किया है. क्लियर? और जिसकी वजह से हम आगे जाके कैपेसिटर को आगे लेके जाएंगे इसके हिसाब से कि कैपेसिटर पे डायलेक्ट्रिक मटेरियल की क्या इफेक्ट होती है. तो हमें वही चीज़ सीखनी है. तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है कि डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं. तो बहुत सिंपल है, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस. क्लियर है? इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जिसके पास है, अवाहकता, जैसे मटेरियल जो भी होते हैं उसको हम डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं. कि जिस सब्सटेंस, जो पदार्थ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली बाउंड है, फ्री नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते. क्लियर है? कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, दे डोंट पजेस फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव इन अ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सके. तो ऐसे सब्सटेंस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है, ऐसे सब्सटेंस को हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं. सो शॉर्ट में उसको नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस बोला जाएगा, अवाहक. क्लियर? नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. क्लियर है? तो उसमें समझाया आपको कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या है. अब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है उसमें टाइप्स हैं. क्लियर है? कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है दो टाइप के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. तो हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस है, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. अब इस दोनों को हमें थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं. क्लियर है? सो आई होप आपको डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया है. ऐसा मटेरियल जिसके पास इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, अवाहकता है. क्लियर है? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सके. क्लियर? वो बाउंड रहते हैं एटम के, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बंधे हुए रहेंगे, दे आर नॉट फ्री टू मूव. क्लियर है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक. तो पहले पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर सब कुछ समझेंगे, उसके बाद नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को समझेंगे. क्लियर है? तो सिंपल से ध्यान देते जाना है. पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस उसको बोलते हैं कि जिसके एटम्स, सब्सटेंस के जो एटम्स हैं उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है. परमानेंट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट आपको मैं याद दिला दूं, दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं तो उनके पास डाइपोल मोमेंट होता है, पी इज इक्वल्स टू क्यू डी. क्लियर? तो ऐसे सब्सटेंस जिसके एटम्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है और जिस सब्सटेंस का वापस नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, लेकिन मटेरियल जो है उसके एटम्स जो हैं उन एटम्स के पास सबके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, पी इक्वल्स टू कुछ ना कुछ है, क्यू डी. क्लियर है? लेकिन ये सब्सटेंस का वापस नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो है जीरो है. तो वो हमें समझना है कैसे. अ पोलर डाइलेक्ट्रिक पजेस अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम. कि पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसके किसको बोलते हैं, जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है एटम्स के, उसके जो एटम्स होते हैं ना सब, वो जितने भी एटम्स हैं सब एटम के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, लेकिन बट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज जीरो. उस सब्सटेंस का वापस नेट डाइपोल मोमेंट होगा ना, वो जीरो होगा. क्लियर? तो कैसे? तो सबसे पहले परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो मेरे पास जो भी एटम है, क्लियर, उस एटम में चार्जेस जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव सेम मैग्नीट्यूड के, वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेटेड है. पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट है डी डिस्टेंस पे, तो डी डिस्टेंस है इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट होगा पी इक्वल्स टू क्यू डी, पी इक्वल्स टू क्यू डी, ये इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, ये एटम है. क्लियर है? तो अब ऐसे ही एटम से ये मटेरियल पूरा बना हुआ है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ये. लेकिन क्या है, इसमें जो एटम्स हैं वो सबके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ये सब इस तरह से रैंडमली डायरेक्शन में ओरिएंटेशन कर रहे हैं कि इन सब का टोटल नेट डाइपोल मोमेंट प्लस किया जाए तो जीरो मिलेगा. दैट मीन्स इधर वापस आपके पास पी इक्वल्स टू जीरो मिलने वाला है ये सब्सटेंस का.
तो सर ये एटम्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा सब रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, क्लियर है। अब ये रैंडम डायरेक्शन में होने की वजह से सभी के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इन सब का समेशन किया जाएगा वेक्टर सम, सो आपको क्या मिलेगा, जीरो। सो दैट मीन्स नेट डाइपोल मोमेंट जो इसका पूरे सब्सटेंस का है वापस, वो जीरो है, क्लियर। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आटा रूम टेम्परेचर एटम के पास थर्मल एनर्जी आती है, क्लियर है। सो थर्मल एजिटेशन की वजह से रूम तापमान पे उनके पास ऊष्मा ऊर्जा जो मिलती है एटम्स को, जिसकी वजह से वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेशन घूमते रहते हैं। अब ये उनके पास एनर्जी है, थर्मल एनर्जी जो यू के हिसाब से उसको मिल रही है, पी क्रॉस ई के हिसाब से भी आप देखेंगे। सो 3/2 KBT के फॉर्म में उसको एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से वो सभी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन कर रहे हैं। अब ये सब डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होने की वजह से किसी का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, किसी का इस तरफ है, किसी का इस तरफ है, अप डाउन लाइक दैट वे, तो इन सब का फाइनल टोटल जो नेट डाइपोल मोमेंट निकालते हैं वो हमें मिलेगा जीरो। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस उसको बोलते हैं जिसके एटम्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन सब्सटेंस का नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होगा। एंड रीजन हमने देखा क्यों ऐसा है, क्योंकि सब एटम्स जो है रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेशन करते हैं, उसका रीजन ये है कि उनके पास थर्मल एनर्जी है रूम टेम्परेचर के हिसाब से, थर्मल एजिटेशन की वजह से, सो दैट्स वाई दे हैव द परमानेंट नेट डाइपोल मोमेंट इज अ जीरो। सो एटम के पास है लेकिन मटेरियल सब्सटेंस पूरा जो है वो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो का है, क्लियर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट पर्टिकुलर कि भाई हाँ, जिस मटेरियल के एटम के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है लेकिन उस मटेरियल का नेट कुल डाइपोल मोमेंट जो है वो शून्य रहेगा, जीरो रहेगा, फाइन। उसमें एग्जांपल है कि ऐसे कौन से एग्जांपल है जो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहलाता है, ये मटेरियल है, तो HCl पोलर डाइलेक्ट्रिक है, NH3 पोलर डाइलेक्ट्रिक है, H2O पोलर डाइलेक्ट्रिक है, CO2 पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में आते हैं, ये सब पोलर डाइलेक्ट्रिक से। तो इसका मतलब क्या है कि इन मटेरियल्स के एटम्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है लेकिन इस सब्सटेंस का कुल नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो है जीरो, क्लियर, फाइन। तो ये हमने समझा कि ओके, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं, उसमें से पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पहले हम सीख रहे हैं कि ऐसा होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्लियर है। अब यही मटेरियल को इसको मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूं या इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो क्या होगा, सो ऑब्वियस हमने पर्टिकुलरली जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख के देखा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूं तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो हमने सीखा है, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, क्लियर है। अब वो टॉर्क की वजह से पर्टिकुलर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की कोशिश करेगा जहां पे वो स्टेबल रह सकता है, क्लियर। तो इसमें ऐसा ही है कि मेरे पास ये जो मटेरियल है, क्लियर, इसके ऊपर अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना स्टार्ट करूं, क्लियर है, तो इफेक्ट क्या होगी, तो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में। अब ये जो एटम्स हैं इनके बराबर ऑब्वियस है, उनके पास जब तक थर्मल एनर्जी है और वो थर्मल एनर्जी उसके पास जब तक है और मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी जो है उस थर्मल एनर्जी के बराबर नहीं होती या उससे कम है तो वो अपनी डायरेक्शन में अड़े रहेंगे, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वो ओरिएंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो तुम्हारी ये जो अप्लाई की गई है इलेक्ट्रिक फील्ड उस फोर्स के सामने वो फाइट कर सकते हैं और अपने आप को जहाँ रखना है वो वहाँ रख सकते हैं। तो हमारे पास जो ये एनर्जीज को हम देने वाले हैं, U is equals to P.E डाइपोल मोमेंट .E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एनर्जी थर्मल एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तब क्या होगा, ये सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, सब एक डायरेक्शन में लाइन में आ जाएंगे, क्लियर है। पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा, नेगेटिव इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, सो प्लस माइनस ऐसा तरह रहेगा। सो अब ये एटम जो रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे थे वो सब एक डायरेक्शन में आ गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से होते हुए सब अलाइन हो गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, पैरेलल होते हुए सीधे सब आ गए। और अब ये जो एटम्स हैं सभी के डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में है, इस एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, सभी के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इन सब का नेट प्लस करूँ ना तो पी मुझे मिलेगा, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अब इसके पास
सब्सटेंस के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, एटम के पास तो था लेकिन अब सब्सटेंस के पास भी हो गया है. सो अब ये इंड्यूस्ड हो गए हैं, क्लियर है. सो दे गॉट पर्टिकुलरली पोलराइज्ड प्रॉपरली. अब ये एक सुलसम से है तो क्या मतलब, सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं. पोलराइज तो थे लेकिन सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं. तो जब मैं पोलर सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो ये इस तरह से बिहेव करेंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और सबके डाइपोल मोमेंट सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट जो है कुछ ना कुछ आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो, जबकि पहले जो था वो जीरो था. क्लियर है. तो ये इफेक्ट हुआ पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में. तो हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हमने सीखा है, हम वापस उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है ऐसे होते हैं जिसके एटम्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है लेकिन सब्सटेंस का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है. क्लियर है. तो ऐसा क्यों है कि सब एटम के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है लेकिन सब रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेशन कर रहे हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से सबके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी अलग अलग है, रैंडमली ऑल डायरेक्शन में है. सो जिसका नेट किया जाएगा क्या मिलेगा? जीरो. अब उसके एग्जाम्पल थे HCl, NH3, H2O, CO2, ये सब एग्जाम्पल है. ये कौन है? सब पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है. क्लियर है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई. अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि ये जो एटम्स जो थे जो रैंडमली डायरेक्शन में ओरिएंटेशन कर रहे थे उनके पास थर्मल एनर्जी होने की वजह से अब मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है उसकी एनर्जी जो है इसके थर्मल एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है. तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाना लगेंगे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जाएंगे, जिसकी वजह से सबका डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा. सो नाउ दे आर अलाइंड. सो अब इस सब्सटेंस के पास डाइपोल मोमेंट है. क्लियर है. सो दिस इज द पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. इसी के हिसाब से अब हम इजीली जा सकते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के ऊपर कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसको बोलेंगे. तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस तो सिंपल ही है कि जिसके एटम के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो ही होता है, जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट जो है एटम का जीरो. मतलब ये भी नहीं होता, सब्सटेंस के पास तो है नहीं क्योंकि एटम के पास नहीं है तो अभी से सब्सटेंस के पास भी नहीं होगा. तो जिसके एटम का डाइपोल मोमेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट जो है जीरो है, ऐसे सब्सटेंस को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं. मटेरियल हुज एटम्स आर हैविंग अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो. ऐसे मटेरियल जिसके एटम्स के परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होते हैं, ऐसे मटेरियल को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं. द परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम इज जीरो, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. तो इनके एटम में क्या है, पहले से ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड किए हुए हैं. दे आर कोइंसाइड, पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास में ही है. क्लियर, कोइंसाइड की गए हैं. अब उन दोनों का डी क्या है? जीरो. दोनों के बीच का कोई भी सेपरेशन नहीं है, दोनों सेपरेटेड नहीं है. सो सेपरेटेड नहीं है तो डी जीरो है, दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट भी उसका जीरो ही है. तो ऐसे एटम जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो ही है, क्लियर, तो उस मटेरियल के जो एटम्स होते हैं उसके परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होते हैं, वैसे सब्सटेंस को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं. तो ऐसा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है जिसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सब कोइंसाइड करके एटम है, बराबर, कोई भी चार्ज फ्री नहीं है, सब बाउंडेड है. क्लियर है. सो दे कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर है. तो वो ऑब्वियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ही आता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बोला था कि जो भी मटेरियल होते हैं, क्लियर, तो कंडक्टर जो होते हैं वो जब तक उसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई ना की जाए, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं. क्या होता है, थर्मल टेम्परेचर की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव तो करते रहते हैं कंडक्टर के अंदर, लेकिन वो हमेशा मोशन ऐसा होता है उन लोगों का कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड अ कंडक्टर हमेशा जीरो ही रहती है. तो इसमें भी ऐसा ही है कि एटम्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो है लेकिन सब के डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन किए गए होते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो रहे, सो दे कुड नॉट कंडक्ट एनीथिंग. सो इसके पास भी ऐसा ही सिचुएशन है कि इसका तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट ही जीरो है पहले से, पी, क्लियर है, तो पूरे मटेरियल का भी डाइपोल मोमेंट जीरो ही है. तो पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है कि पोलर के एटम्स जो होते हैं उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर के पास, नॉन पोलर के एटम के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है. क्लियर है. बाकी दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो ही होता है. इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या है?
जीरो ही है, इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ही है, लेकिन इसके एटम के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, पोलर के पास, नॉन पोलर के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्लियर है? उसके एग्जांपल है O2, N2, H2, ये जो है नॉन पोलर है। क्लियर है? नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक है जिनके एटम्स के डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो ही है, क्योंकि डी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं। क्लियर है? सो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्लियर है? और एटम का भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। सेम वे नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो इनमें तो क्या था कि पहले से ही पोलराइज थे, खाली रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे थे, लेकिन ये क्या होंगे, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव थोड़ा इस तरफ हो जाएगा, तो ये पोलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा। सो अब डी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, दैट मीन्स पी भी नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब इसके पास डाइपोल मोमेंट आ चुका है। क्लियर है? तो जैसे ही इस सब के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी एटम्स के ऊपर, सो वो पोलराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पोलराइजेशन। तो ये ध्रुवीभवन हुआ, पोलराइजेशन, दैट मीन्स ध्रुवीभवन की हमने चार्जेस जो थे एक दूसरे पे पॉजिटिव नेगेटिव, उनको कोइंसाइड कर रहे थे, उसको सेपरेट कर दिया सम डिस्टेंस डी से। अब इसके पास डाइपोल मोमेंट आ चुका है, क्योंकि क्यू तो चार्ज था, डी सेपरेशन भी आ गया है, सो पी इज इक्वल्स टू क्यू डी हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये सब्सटेंस पोलराइज हो गए हैं, अब इनके पास भी डाइपोल मोमेंट आ गया है, ऑब्वियस है, अब ये वापस उसी तरह से बिहेव करेंगे इस तरह से। क्लियर? ये जो एटम्स थे इसका सिनेरियो भी ऐसा ही हो जाएगा, पोलराइज। हाँ, लेकिन मैंने जैसे बोला एनर्जी जो हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड समवॉट स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए ताकि मतलब इसको हम पोलराइज कर सकें। क्लियर? और पोलराइजेशन मतलब और कुछ नहीं है, ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होना, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होना, पोलराइज हो जाते हैं, आयोनाइज करने की कोशिश में रहते हैं हम लोग, कि चार्जेस जो कोइंसाइड कर रहे थे अब ये पोलराइज हो चुके हैं। सो अब पर्टिकुलर जो है ये अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी धीरे धीरे छोड़ेगा, जितनी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते जाएंगे ये अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी छोड़ता जाएगा, एंड फाइनली पर्टिकुलर फील्ड जो है वो चार्ज को कंडक्ट भी कर सकता है और चार्जेस को ट्रैवल करा सकता है। क्लियर है? सो दैट वी हैव कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एटम्स जो हैं वो पोलराइज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही वापस आप हटा लेंगे, मैंने जैसे बोला आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, लेकिन आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लेंगे दे अगेन कम बैक टू ओरिजिनल स्टेट, उनका जो ओरिजिनल पहले स्टेट था उसी स्टेट पे आ जाएंगे। इसमें भी ऐसा ही है, ये रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, सब अलाइन हो गए, अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लूँ वापस तो ये वापस इस सिचुएशन में आ जाएंगे। क्लियर है? रैंडम डायरेक्शन मूव करने लगेंगे और वापस इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्लियर है? जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना बंद करते हैं या हटा लेते हैं। क्लियर है? अब ये जो डाइपोल मोमेंट आया है इसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, क्योंकि हमने मतलब ऐसा इसको इंड्यूस किया है, प्रेरित किया है, डाइपोल मोमेंट था नहीं, प्रेरित किया है, सो डाइपोल मोमेंट हो गया है। क्लियर है? तो उसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अब ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे यूज़ करेंगे हम। क्लियर है? क्योंकि हम इसके बाद जो है कैपेसिटर पे ही चलने वाले हैं। क्लियर है? लेकिन कैपेसिटर में पहले हम वापस क्या करेंगे, सीरीज पैरेलल कनेक्शन सीखेंगे, और उसके बाद ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इनका कैपेसिटर के अंदर क्या उपयोग है और किस तरह से कैपेसिटर बिहेव करेगा बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने की वजह से, तो वो हमें आगे चलना है, तो उसी के लिए हमारे पास है। तो ये मेरा बस P जो डाइपोल मोमेंट आया है, तो डाइपोल मोमेंट जो है प्रोपोर्शनल टू दैट ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दी एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, आसपास का जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, सो एप्सिलॉन जीरो यहाँ पे है। क्लियर है? तो ये प्रोपोर्शनल है, सम प्रमाण कि भाई जो आपका पर्टिकुलर पोलराइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसका पोलराइजेशन भी होगा। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई इसका जो ध्रुवीभवन होने वाला है वो समप्रमाण में है किसको, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न लगाया गया है। क्लियर है? समप्रमाणता हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, इक्वल्स टू, अब ये कांस्टेंट है, ये जो है ना ये एक कांस्टेंट है, अचरांक है,
जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी. क्या बोलते हैं? एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी. सो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी जो है, दैट मीन्स गुजराती में भी उसको वही बोलते होंगे, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा. क्लियर है? तो ये जो है कांस्टेंट हमारा मटेरियल के हिसाब से है कि भाई मटेरियल कैसा है तो उसका एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कितना होगा. दैट मीन्स पोलराइजेशन कितना होगा वो अल्फा पे डिपेंड करता है, नो डाउट इजीली. एंड ई, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. ई हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होनी चाहिए, हमको पोलराइज करना है, ना कि इसकी प्रॉपर्टी चली जाए. इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो चली नहीं जानी चाहिए, वरना चार्जेस वापस मटेरियल में से लीक होने लगेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है, लेकिन इनफ, नॉट टू मच स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी चली जाए. क्योंकि अगर मैं कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता रहूँगा तो ये पोलराइजेशन के बाद ये पर्टिकुलर जो है ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा. डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन दैट मीन्स चार्जेस वापस लीक होने लग सकते हैं. सो दैट्स पी इक्वल्स टू अल्फा एप्सिलॉन जीरो ई. एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई जो आपने की है, एंड दैट्स अ पोलराइजेशन फॉर पी. और अल्फा जो है वो आपका कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी. इसका एसआई यूनिट जो है मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब ये इसका यूनिट है, याद रखिएगा पोलराइजेबिलिटी का एटॉमिक. क्लियर? तो ये हमने सीखा है कि डायलेक्ट्रिक मटेरियल किसको बोलते हैं और कितने टाइप के होते हैं. तो जस्ट जाते जाते पहले वापस एक बार आपके दिमाग में रिवाइज करा दूं, आपने क्या सीखा है? डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो हमने सीखे और उसका पोलराइजेशन. तो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? अ सब्सटेंस विच इज़ हैविंग ए इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हम डायलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं. क्लियर? जो अवाहक है पदार्थ जिसको हम डायलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं. सिंपल सी भाषा में, ऐसे सब्सटेंस जिसके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, ऐसे मटेरियल को डायलेक्ट्रिक बोलते हैं. दो तरह के डायलेक्ट्रिक है, पोलर डायलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक. पोलर डायलेक्ट्रिक एटम भी बोल सकते हैं, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक एटम भी बोल सकते हैं. कि एटम की बात हो रही है कि एटम जैसे होंगे उस तरह से उसका मटेरियल होगा. पोलर डायलेक्ट्रिक किसको बोलेंगे? कि भाई पोलर डायलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा होता है जिसके एटम के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, लेकिन उसका खुद का नेट डाइपोल मोमेंट जो है सब्सटेंस का वो जीरो होता है. तो ये हमने देखा कि जिसके परमानेंट डाइपोल मोमेंट है लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट सब्सटेंस का जीरो होता है. जीरो क्यों होता है वो भी आपको पता है कि भाई ये सब रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेशन कर रहे हैं, सब अस्त व्यस्त गति कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट उसका जीरो है. इनके पास ये एनर्जी कहाँ से है? थर्मल एजिटेशन, ऊष्मा ऊर्जा, थर्मल एनर्जी है जिसकी वजह से ये रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं. फाइन, एग्जाम्पल याद रखिएगा, HCl, NH3, H2O. क्लियर है? CO2 एक्सेट्रा, ये पोलर के हैं. क्लियर है? उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी देगी U इज इक्वल्स टू पी डॉट ई माइनस के साथ, वो एनर्जी जो है इसके थर्मल एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. तो सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे. सो दैट मीन्स आपने सबको एक डायरेक्शन में अलाइन कर दिया है, सबका डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है. सो अब इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट सब्सटेंस के पास भी आ जाएगा. फाइन, नॉन पोलर किसको बोलते हैं? कि जिसके एटम के पास भी ही नॉन एटम के पास ही जो है परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो ही होता है. सो एटम का ही परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो है. दैट मींस मैंने जो ऐसा दिखाया था आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं, डी इक्वल्स टू जीरो है. क्लियर है? तो पी इक्वल्स टू भी जीरो है. तो जिसके एटम के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो ही होता है, सब्सटेंस का भी डाइपोल मोमेंट जीरो ही होगा. फाइन, सो ऐसे मटेरियल को हम नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक बोलते हैं. एग्जाम्पल O2, N2, H2 एक्सेट्रा वगैरह वैसा है. इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन एक्सटर्नल फील्ड, अब इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस ये पोलराइज होंगे. क्लियर है? ये पोलराइज होंगे. पोलराइज होंगे दैट मीन्स अब इसके पास इंड्यूस डाइपोल मोमेंट आ जाएगा. अब डाइपोल मोमेंट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे फाइनाइट डिस्टेंस पे, समान कुछ अंतर पे, डी पे, जिसकी वजह से पी इज इक्वल्स टू क्यू डी जितना इसके पास बन जाएगा. अब इसके पास डाइपोल मोमेंट आ चुका है. क्लियर है? फाइन, तो ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ये वापस ओरिजिनल स्टेट में दोनों चले जाते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई तो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा. क्लियर है? दैट मीन्स वो कंडक्टिंग बन जाएगा डायलेक्ट्रिक छोड़ के. क्लियर है? पोलराइजेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को समप्रमाण में है, इक्वल्स टू लाएंगे, कॉन्स्टेंट आएगा, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी. ये मटेरियल का होता है,
पर मीटर की उसका यूनिट है. सो इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, आपको इसमें अभी भी कोई क्वेश्चंस है तो जस्ट फीड मी बैक क्लियर. आप अपने क्वेश्चन भेजिए मुझे पर्टिकुलर व्हाट्सएप के थ्रू या फोन कॉल कर सकते हैं एंड कीप वर्किंग ऑन इट क्लियर. नेक्स्ट टाइम जो है हम कैपेसिटर्स के बारे में भी सीखेंगे, लेकिन इसका भी फर्दर एक पार्ट बाकी है उसको भी ले जाएंगे. तो हमारे पास अभी टॉपिक्स में जो बाकी हैं वो कैपेसिटर्स सीरीज पैरेलल कनेक्शन वाले बाकी हैं और कैपेसिटर पे जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की इफेक्ट क्या होती है वो हम सीखेंगे. क्लियर, थैंक यू वेरी मच.